वाराणसी मुख्यालय में कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर चंदन त्रिपाठी और अनूप सेठ ने प्रबंध समिति के पद पर आज नामांकन किया। चंदन त्रिपाठी ने बताया कि हमारा मुद्दा चुनाव लड़ने का यह है कि सफाई व्यवस्था और नए लड़के जो प्रैक्टिस करने आ रहे हैं उनको पूरी तरीके से मदद करने का काम करेंगे और लगातार इसी तरह से हम लोग सभी अधिवक्ता को पूरी तरह से सहयोग भी करेंगे। देखिए हमारे संवाददाता गोलू शर्मा की रिपोर्ट। कनिष्ठ उपाध्यक्ष दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस वाराणसी में आज मैंने जो है अपना कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया। क्या क्या मुद्दा है कि मुद्दे को लेकर के? सच्चाई ये है कि मुद्दा मेन हमारे यहाँ जो महिला बहनें आती हैं बहुत सी समस्याएं झेलती हैं, जैसे कि साफ सफाई शौचालय का की शुद्धता नहीं होती, साफ सफाई नहीं होती, और जो हमारे नए अधिवक्ता भाई आते हैं उनको जो भी आवश्यक आवश्यकताएं हैं जो हमारे यहाँ नए प्रैक्टिशनर को समस्या झेलने में पड़ती हैं उनको मैं पूरे अपनी क्षमता के साथ उनके साथ सहयोग करूँगा और जो भी चीज़ें आवश्यक आवश्यकताएं पूरी की जा सके वो मैं पूरा करूँगा। चुनाव जीते थे अधिवक्ताओं के लिए क्या? अधिवक्ताओं के लिए गोल जो है जो भी होगा बार और बेंच के समन्वय से जो भी जितना भी हो सके वो सहयोग कर रहा हूँ। अपने अधिवक्ताओं से क्या संदेश देंगे? हम अपने अधिवक्ताओं को यही कहेंगे कि जो भी अधिवक्ता भाई हैं जो भी लोग वो लोग जो है सिर्फ और सिर्फ अपने अगर यहाँ गंतव्य तक आए हैं प्रैक्टिस के करने और उसके लिए तो उसमें वो अपना जो भी हो सके अपना संपूर्ण सहयोग करें। और हमें जी अपना परिचय बताइए। मैं अधिवक्ता अनूप कुमार दी सेंट्रल बार बनारस वाराणसी से प्रबंध समिति 15 वर्ष से कम पद हेतु चुनाव लड़ रहा हूँ। किस पद के लिए नामांकन किए हैं? दी सेंट्रल बार एसोसिएशन बनारस का प्रबंध समिति सदस्य 15 वर्ष से कम। क्या मुद्दा है चुनाव लड़ने का, उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य समाज में अधिवक्ताओं के साथ जो हो रहा है, जिस तरह मध्य प्रदेश में अधिवक्ता कानून प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है, उस तरह हम उत्तर प्रदेश में भी अधिवक्ता कानून एक्ट लागू कराना चाहता है, जिसके लिए हमें बाहर के पूर्वांचल के सबसे बड़ा बार सेंट्रल बार से आवाज़ उठाना पड़ेगा और ये आवाज़ हम विधानसभा में बैठे मंत्रियों तक पहुँचाएंगे अपने बार के लिए, इसलिए मैं ये पद चुनाव लड़ना चाहता हूँ। अधिवक्ताओं के लिए क्या करेंगे? अधिवक्ताओं के लिए बार के जो मूलभूत आवश्यकताएँ हैं मूलभूत जरूरतें हैं, जैसे कि महिला अधिवक्ताओं को बैठने और उनके शौचालय के सही प्रबंधन और पुरुष अधिवक्ताओं के शौचालय की साफ सफाई एवं उनके द्वारा कार्य जो किए जा रहे हैं सही सुचारू रूप से हो रहे हैं कि नहीं हो रहा है, इसका ध्यान रखना। चुनाव आता है तो बातें बहुत होती है, वादे बहुत होता है, निराधार साबित होती है। देखिए मैं प्रथम बार चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं ऐसा कोई वादा नहीं करूँगा जो पूरा ना कर सकूँ। मैं हर एक युवा अधिवक्ताओं का सहयोग करूँगा, जो भी मेरे से सहयोग चाहेगा मैं उसका संपूर्ण सहयोग करूँगा। अधिवक्ताओं को क्या संदेश देंगे आप? अधिवक्ताओं को मैं यही संदेश दूंगा, मुझे भारी मतों से यही बनाए प्रमुख समिति 15 वर्ष से कम अनुपुर।